हिंदी, हाँ से हम, हाँ से हमारा हौसला, हाँ से हिंद, हाँ से हरी, हाँ से हमारा हौसला। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, विशिष्ट अतिथि, सभी श्रद्धेय गुरुजन और मेरी अभिन्न सहपाठियों, सर्वप्रथम मैं आर्यश्री आज 10 जनवरी के इस पुनित विश्व हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। किसी भी काम की शुरुआत प्रार्थना के साथ प्रारंभ करना हमारी संस्कृति का श्रेय बढ़ाने वाली कार्य है। अथवा आज का यह विशेष आयोजन की शुरुआत प्रार्थना के साथ प्रारंभ करने श्रेया वेणुगोपाल से निवेदन करती हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दादा, मन का विश्वास कम श्रेया। आदर है, संस्कार है, हिंदी में कितना दुलार है, प्रेम भाव है अविराम, हिंदी में कितना प्यार है। विश्व हिंदी दिवस के इस विशेष आयोजन में स्वागत भाषण की प्रस्तुति के लिए गोपिका कृष्णा को आमंत्रित करती हूँ। एक भाषा है आशा भरी, जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माते की बिंदी है। माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सुभद्रा मुरलीधरन, मुख्य अतिथि जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं गोपिका कृष्णा, कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। विश्व हिंदी दिवस के विशेष आयोजन पर स्वागत भाषण देने का सुअवसर प्राप्त होने में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किसी भी संस्था में करने वाले कोई भी कार्यक्रम संस्था के प्रमुख की प्रेरणा तथा समर्थन से ही संभव होता है। भवंस विद्या मंदिर छिदली एक ऐसे प्रमुख से धन्य है जो छात्रों और कर्मचारियों को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सदैव मौजूद है। गर्व के साथ मैं उनको, हमारे विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुभद्रा मुरलीधरन जी को इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है मैडम जी। श्री जनार्दनन जी, जिन्होंने बहुत सालों तक केरल हिंदी प्रचार सभा के प्राचार्य के पद पर समर्पित सेवा कर चुके हैं, उपरांत सरकारी उच्च विद्यालय में हिंदी अध्यापक के तथा संसाधक के पद भी संभाले हैं। आप हमारे निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे भवंस विद्या मंदिर की तरफ से मैं आपको इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है जनार्दनन जी। श्रीमती बिंदु जी, आप सरकारी कार्यालय में अध्यापिका का पद संभालती है और संगीत में एमए की डिग्री भी प्राप्त की है। इस विशेष अवसर पर हमारे निमंत्रण स्वीकार कर आप इस आयोजन में सम्मिलित होने का सम्मति दी, सबकी तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है बिंदु जी। इस विशेष अवसर पर प्रबंधन समिति अंगों, आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों और मेरे प्यारे सहपाठियों को भी मैं इस आयोजन में स्वागत करती हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद गोपिका। हिंदी है बिंदी भारत की, सरताज इसे बनाना है। हिंदी है परचम विश्व में, अब हमको लहराना। हम सब आज यहाँ विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो मेरी सहपाठी श्रेया इस विश्व हिंदी दिवस पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने यहाँ मौजूद है।
हम सबकी तरफ से मैं श्रेया को मंच पर बुलाती हूँ। श्रेया, अब यह मंच आपका। नमस्ते। आज विश्व हिंदी दिवस। क्या आपको पता है विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना एवं हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को बहुत विशेष रूप से मनाते हैं। सरकारी कार्यालयों में भी इस दिन विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। धन्यवाद श्रेया। माँ की ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हमारे विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुभद्रा मुरलीधरन, जिन्होंने हमेशा हिंदी भाषा को सदैव अधिक प्रतिष्ठा देती है, आपकी भाषण के बिना यह आयोजन में अधूरा ही रहेगा। इसलिए मैं प्राचार्य जी को एक छोटा सा भाषण देने का अनुरोध करती हूँ। कृपया आइए मैडम जी। सभी को नमस्ते। विश्व हिंदी दिवस के इस आयोजन में यहाँ सम्मेलित सभी को हार्दिक बधाइयाँ। हिंदी भाषा को उसका श्रेय और सम्मान प्रदान करना सभी का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व का हिस्सा निभाने के लिए ही भवंस विद्या मंदिर चिदली विश्व हिंदी दिवस पर इस प्रत्येक कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, जय हिंदी।